Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's vlog you'll be seeing my IELTS result and charon modules pe ek ek tip. And so stay tuned and to like, share, subscribe agar aapko ye video useful lage tabhi, and uske baad all everything you can mention in comments. So let's start with the video. हाय गाइस, सो मेरे को भी मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि यार रिजल्ट आ गया है. मैंने टाइम देखा तो अभी 6 हो रहे हैं, अच्छी खासी बाहर यू नो लाइट वगैरह है तो. बट मेरे फ़ोन पे रिजल्ट नहीं आया है तो पता नहीं क्यों, उसको तो टेक्स्ट आ गया था. तो अब हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं और उस पर देखते हैं कि रिजल्ट आया है या नहीं. मुझे करना आता नहीं है तो मैंने यू नो शेयरिंग एंड ऑल, तो मैंने लैपटॉप की तरफ फेस कर दिया है. तो अब हम करते हैं लॉगिन और देखते हैं रिजल्ट ऐसे. राइट, तो अब मैं डालती हूँ इस. तो अब हम डालेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट है. पर उससे पहले यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक बात शेयर करती हूँ कि यू नो दो तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है. एक ना बच्चा विश करता है कि यार मुझे 6.5 ओवरऑल चाहिए ही चाहिए. आप में से बहुत लोग विश कर रहे हो गए एंड आई रियली विश कि आपकी विश पूरी हो, तो दैट इज़ डिफरेंट. यार एक होता है कि यार 7 अबव आ जाए. तो मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी वो सोच है क्योंकि मुझे पता है कि यार 6.5 मेरा आ जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात मुझे जो सेक्शन डिफिकल्ट लगता था वो है राइटिंग, क्योंकि मैंने ना कोई कोचिंग नहीं ली है. मैं किसी आइल्स कोचिंग में नहीं गई हूँ. मैंने जो प्रिपेरेशन की, अब जो भी स्कोर आएगा वो सारी सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत है. मैंने किसी भी चीज़ के लिए एक्चुअली कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी. मैं खुद ही घर पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती थी, मैं खुद ही राइटिंग की प्रैक्टिस करती और फिर मैं खुद ही चेक कर लेती थी. तो यार ऑफ कोर्स राइटिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर यू नो आपको कोई ना कोई चाहिए चेक करने के लिए. तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, ऑनलाइन ही ढूंढा, जो कि यू नो फ्री में आपको उस पर टाइप करना होता है और वो कोई मतलब कंप्यूटराइज मशीन से ही आपको यू नो आपका वैन स्कोर दे देते हैं मिस्टेक्स बताकर. तो वहाँ पर मेरे 6.5 ही आते थे, आई गेस 6.5 या 7 या 6 भी आया है. वैसे दो बार, चार बार तो मैंने टेस्ट दिया है. ठीक है, तो मतलब मेरी वो वीक थी जिसमें से लिसनिंग में आई थिंक वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया था. मेरा ना आराम से 8.5 आता है. तो अब देखते हैं क्या हुआ है. एंड ऑफ कोर्स अगर मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, मेरी यू नो एक्सपेक्टेंसी हुई कि 7 अबव आ गया, तो जिस भी चीज़ के बारे में आप टिप्स कहेंगे वो आपको मिल जाएंगी. ऑफकोर्स वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए जिसमें मेरी कम आए, उसके अंदर तो मैं यार मैं क्या ही टिप्स दूंगी. ठीक है, एंड सो या लेट्स सी. लिया है, लॉग इन कर लिया है. ठीक है, और अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पूरा देखने का, नहीं मन कर रहा है अभी, रुक कर देखे. गाइस मेरा ना सच्ची में वैसे व्यू पे क्लिक ही नहीं हो रहा है. मेरे को ना कल तक कोई एंजाइटी नहीं हो रही थी, पर अभी मेरे हाथ आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ ना पसीने वाले गीले हो गए हैं. और अभी मुझे लग रहा है कि इसको मैं बंद करके सो जाती हूँ. पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है. ऐसा करते हैं साथ में क्लिक करते हैं व्यू पे एंड आई विश सब कुछ अच्छा हो. ओके, तो 1 2 3 चलते हैं पास. ओके, जय माता दी. ओवरऑल 7.5 राइटिंग, ओ माय गॉड. ओके ओके, दिस इज़ गुड. ओके ओके गाइस, सो आपको दिख रहा है दैट मैं खुश हूँ, आई एम सैटिस्फाइड विद माय रिजल्ट. सो मेरा लिसनिंग में आया है 9, विच इज़ ऑफ कोर्स अ गुड बैंड. इससे ज़्यादा क्या देगा भगवान मुझे. ओके, एंड एज आई सेट लिसनिंग वॉज ऑल यू नो लिसनिंग मेरा हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है. और लिसनिंग के अंदर 9 इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस के वक्त हमेशा 8.5 या 8 आता है. सो आई एम क्वाइट हैप्पी. रीडिंग के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, रीडिंग में 8 आया है. तो लिसनिंग और रीडिंग की टिप्स के लिए तथास्तु, यू कैन यू नो आस्क मी एनी टाइम जो भी टिप्स चाहिए. स्पीकिंग में 7, आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्कोर राइट. मेरा मतलब मुझे लगता था 7.5 तक आ जाएगा, बट आई थिंक 7 इज अ गुड स्कोर. तो जो भी बेसिक टिप्स चाहिए विदाउट एनी कोचिंग, किसी की गाइडेंस के बिना, तो मैं यहाँ हूँ. अगर आप भी ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन आस्क मी. राइटिंग खुद कीजिए, मेरा खुद ही 6.5 बैंड आया है. मतलब मुझे ना राइटिंग पसंद ही नहीं थी. ठीक है, 6.5 गुड है मेरे लिए. ओके, सो या दिस इज माई स्कोर. बात करते हैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की. तो या पहली बात है यार, जिस भी चीज़ की आपको चाहिए हो ना तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना. आपको मेरा स्कोर पता है कि मैं किस में टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ट दे सकती हूँ, किस में अच्छी दे सकती हूँ और किस में मुझसे लेनी ही नहीं चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ आप कमेंट कर देना, तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना सकती हूँ आपके लिए ताकि आपको भी बहुत यूज़फुल हो. क्योंकि
आई थिंक कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई क्या चीज़ यूजफुल है और क्या नहीं, क्योंकि मैंने विदाउट एनी कोचिंग प्रिपेरेशन की है घर पे. और ये प्रिपेरेशन थी मेरी अप्रॉक्सीमेटली 1 month की, जिसके अंदर 15 days आई वॉज सीरियस. ओके एंड बाकी तो जैसे हम करते हैं ना, कभी एक मॉड्यूल कर लिया, कभी एक ऐसे था. तो अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की. पहले लैपटॉप को करते हैं साइड. बेसिक सी ट्रिक्स बताने वाली हूँ. नींद आ रही है. ओके नंबर 1, अगर तो आप यार रीडिंग में वीक है, तो सबसे पहली बात, रीडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. रीडिंग के अंदर प्रैक्टिस प्लेज यू नो इम्पॉर्टेंट रोल. सारे कहते हैं बी कंसिस्टेंट बी कंसिस्टेंट, तो आई थिंक रीडिंग वो एक यू नो चीज़ है जहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. और रीडिंग्स के लिए कुछ चीज़ें हैं यू नो जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकती हैं. स्किमिंग आनी चाहिए, स्किमिंग को राइट वे में करना आना चाहिए. और सबसे सही बताऊँ यार, तुम ना वो चीज़ें रहने दो जो कहते हैं ना फास्ट रीडिंग करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है फास्ट रीडिंग की. 20 मिनट बहुत होते हैं. आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं. क्वेश्चंस का पढ़ने का तरीका जो मैंने अपनाया और जिससे मुझे बहुत जल्दी आंसर्स मिलते थे, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. वो थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो फिर मैं उसी की वीडियो बना दूंगी यार. बाकी कंसिस्टेंसी एक एक टिप सबकी देती हूँ. ओके लिसनिंग 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 तो मैं पक्का वीडियो बनाने वाली हूँ यार आपके लिए. लिसनिंग में ना कुछ भी नहीं है. पहली बार इधर उधर से प्रिपेरेशन बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ जो कैम्ब्रिज की बुक्स है ना लिसनिंग वहाँ से करना. यू नो जो रीडिंग है ना, रीडिंग तो आप बहुत सारे सोर्सेज से कर सकते हो, बट लिसनिंग आपको वहीं से ही करनी है. और ये भूल जाना कि आपको यू नो टू वर्ड्स नहीं आएंगे. मेरे पेपर में 2 वर्ड्स थे. आपको हर एक के लिए तैयारी करनी है, 3 वर्ड्स तक के लिए तैयारी करनी है. और यार एक बात हूँ, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है लिसनिंग में, वो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब सिंगल वर्ड वो बोलता है ना तो बहुत जल्दी से बोल जाएगा. अब मेरे इसमें ना एक क्वेश्चन था मेडिसिन्स इंजीनियर्स, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इंजीनियर्स तो मुझे समझ आ गया इंजीनियर्स लिखना है, मेडिसिन लिखना है या मेडिसिन्स लिखना है. तो उसके अंदर ना थोड़े बहुत ना आपको बताने चाहिए. अगर उसने लिखा है ग्रुप ऑफ डैश, तो जब उसने ग्रुप लिख दिया ना, तो आपको ऐसे नहीं लगाना एंड में. तो उसका आंसर मेडिसिन था. तो ऐसे कर कर कुछ चीज़ें जो आपको, अगर आप नहीं भी सुनो सुनी है आपने लिसनिंग में, तो भी आप अपना आंसर सही मार्क कर सकते हो. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. हम अपनी स्पीकिंग के ऊपर, स्पीकिंग के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड आपका मिरर है और आपका वॉइस रिकॉर्डर है. ट्रस्ट मी, नो वन कैन जज यू बेटर देन योर सेल्फ. अगर आप मिरर में देखोगे ना यार, आपको खुद को पता लगेगा कि जब आप बोलते हो ना, आपकी शक्ल कैसी लग रही है. मतलब आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो या फिर आप खुद ही लग रहे हो नर्वस हो. क्योंकि आप जब नर्वस हो गए ना, यू विल ऑफकोर्स यू विल फंबल, यू विल से ओ और वो मार्क्स गए. ठीक है, और वॉइस रिकॉर्डिंग से आपको ये पता लगेगा कि मतलब आप कहाँ पे अटक रहे हो, आपकी वीक एरियाज क्या है. और यार गाइज, मैं सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, क्यू कार्ड पे मत फोकस करते रहना. सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो. आई थिंक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ना एक ऐसे सारे तीन 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 बैंड में डिवाइडेड होते हैं, पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1. तो इंट्रोडक्टरी में तो 3 on 3 आ ही जाते हैं बच्चों के. तो इंट्रोडक्टरी पे फोकस करो और कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ करो. बाकी टिप्स के लिए कमेंट करो. और यार राइटिंग के बारे में मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल सकती हूँ. मैं इस लायक भी हूँ कि मैं आपको कोई सलाह दूँ, टू बी ऑनेस्ट. राइटिंग में यार मैं सही बताऊँ तो मैंने क्या किया था, आफ्टर सीइंग कि मेरा कुछ भी नहीं बन रहा है राइटिंग में, मैंने सिर्फ एक चीज़ फॉलो की कि मैं फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से करने वाली हूँ और मैं बेसिक इंग्लिश लिख कर आऊँगी. दैट फेस्ट मी 6.5 बैंड. एंड अगर आपको भी सिर्फ बहुत आपकी राइटिंग बहुत वीक है ना, तो यार गाइस फॉर्मेट पे फोकस करो. और आप जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 25 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जितने भी लोगों के एग्जाम हैं, आई विश यू ऑल दी बेस्ट. मुझे पता है यार, अगर पेपर क्लियर ना होना बहुत दुख होता है, क्योंकि यू नो आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी लगे हैं. 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा है एग्जाम के. ऊपर से यार मुझे सच सच बताना, इफ़ यू अग्री विद मी, प्लीज़ 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 कमेंट करना, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये जो 13 डेज लेते हैं वो गलत है. क्योंकि मुझे एक्चुअल में ऐसा बहुत लगा यार, पहली बार बच्चे ने पेपर दिया, उसके बाद 13 दिन बाद रिजल्ट दे रहे हो. अगर उसका नहीं क्लियर हुआ, वो तो 13 दिन तक बैठा है ना यार. कोई भी बच्चा प्रिपेयर नहीं करता, सबको अंदर से होता है क्लियर हो जाएगा. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर से प्रिपेरेशन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो आई थिंक यार उनको टाइम रिड्यूस कर देना चाहिए और रिजल्ट थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए. इफ़ यू अग्री प्लीज़ लेट मी नो. एंड दूसरा, ऑल द बेस्ट जो भी पेपर दे रहे हो, सबका क्लियर होगा. बी कंसिस्टेंट, डू योर बेस्ट. एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस व्लॉग. सुबह सुबह मतलब मैं ये देख रही हूँ यार, मेरी ना नींद भड़क चुकी है, मेरे को बहुत एनर्जी आई हुई है इस वक्त. ओके तो ठीक है, अब यार उठते हैं. भगवान जी को भी थैंक यू करना है, पेरेंट्स को रिजल्ट बनाना है. मुझे पता है मेरी मम्मी बहुत खुश होने वाली है और मेरे पापा मुझे बोलने वाले हैं कि राइटिंग नहीं लिखनी आई तुझे, इंग्लिश नहीं लिखनी आई. मुझे पता है उनको यही डायलॉग आने वाला है मेरे लिए. तो कोई बात नहीं, ठीक है ना. तो जाकर बताते हैं उन्हें, नहाते हैं, धोते हैं,
भगवान जी के पास यू नो थैंक यू करते हैं, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट. बाकी रिजल्ट आपने देख लिया है. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, एंड जिस चीज़ की भी ज़रूरत है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल. ओके बाय.